कैसे हैं आप लोग? आज मैं दिखाऊंगा मल्टी स्टेज प्रेशर पंप के बारे में बताऊंगा कि इसका यूजेस क्या है और किस तरह से ये रेडी होता है, किस तरह से इंस्टॉल होता है। तो सबसे पहले जो आप इसमें देख रहे हैं यूनिट, ये मल्टी स्टेज पंप है। सब में देखते होंगे थ्री स्टेज है, इसमें भी सारे में थ्री स्टेजेस हैं। तो ये एक और सवा HP के बीच का ये पंप होता है और इसके अंदर सारा फंक्शनिंग दिया गया है। जैसे आप सबसे पहले देखिए, इसमें प्रेशर स्विच है, गेज है और इसके साथ पूरा ऑटोमेटिक किट लगा हुआ है ताकि जब भी हमारे वाटर टैंक में पानी खाली हो जाए तो ये चले ना। अच्छा, बेसिक सबसे पहले इसका यूज़ क्या है? प्रेशर पंप का बेसिकली काम होता है कि जितने भी आपके बाथरूम्स होते हैं उसमें प्रेशर को जनरेट करना और ज़्यादा प्रेशर को बढ़ाना। क्या होता है कि जितने भी आपके घर में शावर एरिया होते हैं या जितने भी टैप होते हैं, अगर सही से पानी नहीं आता उसमें, तो उसके लिए ये चीज़ें लगाया जाता है। अच्छा, इसमें कई तरह के पंप्स आते हैं। आपने देखा होगा छोटा पंप होता है, टुल्लू पंप इसको बोलते हैं, मोनोब्लॉक सीरीज में। उससे अपर अगर हम बात करें तो मल्टी स्टेज सीरीज में, इसको मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग कहते हैं इसको। तो इसमें बहुत सारा मतलब चीज़ें इसके अंदर होता है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताया कि एक तो इसके अंदर गेज है, प्रेशर गेज, जो प्रेशर बताता है कि कितना है इसके अंदर प्रेशर। क्लोज कीजिए कैमरा, देखिए इधर इसके अंदर, ये आप देख रहे होंगे इधर, तो ये प्रेशर गेज है। इसमें आपको प्रेशर शो करता है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, जैसा आपको चाहिए। फिर ये प्रेशर स्विच है और इसके अलावा जो आप ये देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा अहम चीज़ है। बड़ी बड़ी ब्रांड ये लगा के नहीं देते इन चीज़ों को। इसको हम लोग बोलते हैं NRV, नॉन रिटर्न वाल्व। इसका लगाने का मकसद ये होता है कि जब कोई भी पानी, जैसे हमारा इनपुट हुआ पानी, इधर से इनपुट हुआ और जब प्रेशर से ऊपर पानी गया, इसके ऊपर हमारा प्रेशर टैंक होता लगा हुआ। जो प्रेशर टैंक में पानी जाता है तो एक बार जो यहाँ से प्रेशर ऊपर रिलीज हो गया, वो रीप्रेशर नहीं बना सकता है। तो रीप्रेशर अगर जब नहीं बनेगा तो जो हमारा ये इसके अंदर इम्पेलर डिफ्यूजर है, SS में है। SS एक बहुत बड़ा चीज़ है इसके अंदर, जो मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी। तो जो प्रेशर होता है वो इम्पेलर डिफ्यूजर पे जाके हिट नहीं कर पाता, तो इससे क्या होता है कि साउंड पंप पे जनरेट नहीं हो पाता है। नहीं तो जनरली देखते होंगे जितने भी घरों में प्रेशर पंप लगे होते हैं, उनका साउंड का प्रॉब्लम होता है कि हमारे यहाँ साउंड बहुत ज़्यादा है पंप में। तो वो NRV की वजह से अगर ये हम लगा के देते हैं तो इसमें साउंड नहीं होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो आप पंप देख रहे हैं, जो चीज़ें कैमरा को, इसके अंदर जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं, इसमें इम्पेलर डिफ्यूज़र है लगा हुआ इसके अंदर में। तो वो क्या होता है, मैं एक आपको जस्ट एक दिखाता हूँ। आप इस पर थोड़ा इधर दिखाइए अगर आप, ये प्रेशर स्विच है, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और जो इसमें मैंने इम्पेलर की बात की अभी आपको, ये आप इधर दिखाइए कैमरा को, ये होता है इम्पेलर डिफ्यूज़र, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इम्पेलर डिफ्यूज़र का काम होता है कि पानी को, इम्पेलर का होता है इनपुट करना और डिफ्यूज़र का काम होता है पानी को डिफ्यूज़ करना, यानी इस तरह पानी खींचा जाता है और इससे पानी को डिफ्यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे सेट लगे होते हैं, 1, 2, 3 सेट लगे हुए हैं, इसको हम लोग थ्री स्टेज पंप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिसमें नॉरेल के या प्लास्टिक या ब्रास के लगे होते हैं, तो अगर नॉरेल का है तो बहुत ही जल्दी वो, जब मान लीजिए आपके वाटर टैंक में पानी ना हो, तो वो जब पंप सूखा ड्राई चल जाता है तो उससे क्या होता है कि नॉरेल हीट होने के बाद क्रैक कर जाता है। लेकिन SS में क्या होता है कि SS में ऐसा चीज़ें नहीं होता है। अगर ये हीट भी होता है तो इसका टूटने का कोई चांसेस नहीं होता। और सबसे बड़ी दूसरी, इसमें मान लीजिए अगर आपको बोरवेल का पानी है या MCD का पानी है या उसमें डस्टिंग लेवल आता है आपका पानी में, तो इसके अंदर अगर आए तो ये क्या करता है, क्रश कर देता है उसे, क्रश करके रिमूव करके बाहर कर देता है आपके टैप्स के थ्रू। और यही जो अगर हम नॉरेल की बात करेंगे, जो इम्पेलर होता है इसके अंदर डले हुए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें नॉरेल में एक रिंकल्स बन जाता है। जब रिंकल्स बन जाता है, जब इम्पेलर पानी खींचता है, एक सीटी जैसा आवाज़ या पंप में साउंड क्रिएट हो जाना, तो ये बहुत तरह का इसके अंदर चीज़ें हो जाता है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस प्रेशर पंप के बारे में कि ये मल्टी स्टेज प्रेशर पंप है, आप इसे 5 bathroom, 6 bathroom चला सकते हैं एक मिनान से, जिसमें बड़े बड़े शावर भी चला सकते हैं, 1 foot का 2 foot का ऐसे का शावर चला सकते हैं, बॉडी या टोलर जिन लगे हुए हैं वो चला सकते हैं। और ये कंप्लीट ऑटोमेटिक पंप है, इसके अंदर आपने देखा कि मैंने सारा एक एक करके बताया कि इसमें क्या क्या लगे हुए हैं। और इसके अलावा हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में, लाइक प्रेशर पंप वाटर, ये तो प्रेशर पंप हो गया, वाटर सॉफ्टनर, सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर का काम होता है कि जितने भी आप घरों में यूज़ करते हैं पानी, अगर उसमें स्मेली वाटर आ रहा है तो उसके लिए हम लोग कार्बन फिल्टर लगा के देते हैं। और इसके अलावा बड़े बड़े लाइक हीट पंप हो गया, जैसे कि गर्म पानी के लिए मशीन होता है, तो ये सब सारा हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में डील करते हैं।
अगर ऐसा कोई आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या इस तरह का कोई यूज हो तो हमारे YouTube चैनल पे आप मैसेज कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इवन हम लोग साइट इंस्पेक्शन कराते हैं, उसके बाद हम लोग गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए आगे, और पूरी प्लम्बिंग का सॉल्यूशन कंसल्टेंसी हम लोग देते हैं कि कहाँ कहाँ क्या लाइन डलनी चाहिए, कैसे डलनी चाहिए, क्योंकि जो प्लम्बिंग का काम होता है बिल्डिंग में वो बहुत ही मायने रखता है इन चीज़ों पे। अगर एक भी लाइन गड़बड़ हो जाए या ऐसी लाइन नहीं डलना चाहिए और वो डल जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उसमें।